अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह आप गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इसके पेज पे हूँ इस वक्त और इन्होंने लिखा हुआ है कि 2024-25 के लिए स्कॉलरशिप ओपन है और इसके अंदर ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर शामिल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के पहले सबसे इन्होंने एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमे के लिए आपकी उम्र 25 होनी चाहिए और मास्टर के लिए 35। और ये चीज़ उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसीजर पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी जो 15 है 15 है इसकी जो 15 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि आपको एक इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपसे रिटन टेस्ट भी लें और इसमें आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशंसी वगैरह उन्होंने बेसिकली चेक करनी है। और फिर नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम कि आपको रिजर्व रखती है राइट कि आपको रिजेक्ट कर दे, आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो बस कर दिया। नीचे फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास सर्टिफिकेट जो है होने चाहिए, उनकी कॉपी, क्वालिफिकेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये वो तो आपको पता ही है और वो इंग्लिश के अंदर होने चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। उसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास पासपोर्ट, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है आपने जो रेफरेंस लेटर हैं टू इनको देने हैं, C1 और C2। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, ये जो C1 और C2 आपने यहाँ से डाउनलोड करने हैं, जो आप यहाँ पे आपने लिंक देखा था, C1 ये है, ये आपने अपने प्रोफेसर को देना है या प्रोफेसर जहाँ से आप पढ़ें या फिर आप जहाँ पे कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो वो भी इसको फिल कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपका नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप कंट्री पाकिस्तान इस तरह करके जो भी होगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नीचे फिर आपकी जो है वो कोर्स जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा कुछ जिसको आप देंगे आपके प्रोफेसर को या जो आपका मैनेजर होगा वो यहाँ पे करेगा फिल। तो नीचे सारी चीज़ें अपनी लिखेगा, नीचे फिर वो लिखेगा आपके बारे में का अकेडमिक रिकॉर्ड आपका कैसा है, इंग्लिश प्रोफिशंसी, आप इंग्लिश आपको कैसी आती है, क्रिएटिव थिंकिंग है, इंडिपेंडेंट है, ऑनेस्ट है, आपके नई मोटिवेशन है आपके अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन, ये वो, ये सारी चीज़ें उसने फिल करनी है। नीचे भी वो इस तरह करके सारी नीचे फिल करने के बाद वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, जैसे प्रोफेसर है तो यहाँ पे अपना असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर कोई मैनेजर है वो, अगर आप किसी कंपनी में लगे हुए हैं तो वहाँ पे अपना मैनेजर यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे वो इस तरह करके अपना मैनेजर लिखेगा, ऊपर ऊपर अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी, और यहाँ पे कंपनी के अंदर होगा तो कंपनी का नाम, जैसे एंग्रो लिख दिया, अगर किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर तो स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, भी नीचे एड्रेस उसका इस तरह करके, नीचे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे फ़ोन नंबर, वो सारा यहाँ पे अपने सिग्नेचर, वो उसको फ़ोन वगैरह भी कर सकते हैं। फिर इस तरह नीचे फिर वो जो सेकंड भी है वो भी इसी तरह वो फिल आपका जो है ना टीचर या फिर आपका मैनेजर जो है वो इसको फिल करेगा। अच्छा, नीचे फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इसके अंदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही है। अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5 यूनिवर्सिटी अगर आपने पहली के अंदर करना है यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुसलाम पे, तो एक तो आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है, फिर आपने अलहदा से यहाँ पे भी करना है, और फिर तीसरा अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर करते हैं यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ब्रुनाई, तो फिर आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है, अलहदा से यहाँ पे भी अप्लाई करना है, लेकिन जो बाकी तीन है उसके अंदर सिर्फ आपने यहीं पे अप्लाई करना है। ये उन्होंने चीज़ दी हुई है। फिर उन्होंने टर्म एंड कंडीशन स्कॉलरशिप की दी हुई है कि ये आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट मिलेगी, यही समझ लेंगे जितनी की इटली में मिलती है उससे थोड़ी सी शायद कम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, शायद उससे बराबर ही हो। अब मैं इसके ऊपर इतना ही जा रहा, आप खुद इसको पढ़ लें, लेकिन एक दफ़ा अप्लाई कर लें, अगर नाम आ गया तो फिर आप सोचें आपने क्या करना है, जाना है नहीं जाना, अप्लाई तो करें ना पहले। अच्छा, ये चीज़ें इसकी हो गई, अभी इसका अप्लाई का तो मैंने आपको बता दिया, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद वो आपके काम आए। ये देखें, जो उन्होंने दो यूनिवर्सिटीज़ का दिया हुआ है उसने, आपने पहले तो एक नॉर्मल पे अप्लाई करना है, फिर अलहदा से दो, उस अलहदा से भी जाके उनकी यूनिवर्सिटी की अप्लीकेशन को खोल के वेबसाइट को उसके अंदर भी अप्लाई करना है। उसकी वजह ये है कि वो जो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप की ब्रुनाई की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये देखें उसकी QS रैंकिंग में, वो जो पहली थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुसलाम वो आती है 254 पे, जो दूसरी है वो 350 पे आती है यूनिवर्सिटी, वो जो मैं आपको बता रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रुनाई। अच्छा, अभी हम चले जाते हैं कि आपने इसका फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है। अप्लीकेशन प्रोसीजर, मैं फ़िलहाल पहले तो हमने यहीं पे जाके अप्लाई करना है ना, उसके बाद ये वाला आता है, ये वाला इसमें तो हर एक नहीं करना है, लेकिन अगर किसी ने इन दो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है जो मैंने अभी आपको, दूसरी भी अच्छी होंगी लेकिन वो रैंकिंग में ज़रा नीचे होंगी, तो फिर उसने इन दोनों, इस पे भी और इस पे भी आके अप्लाई करना है। पहले तो इस पे तो लाजमी करना है, पहले हम इस पे चलते हैं। अच्छा देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ से अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करना है।
पहले तो हमने सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है कि कौन सा करना है। ये अगर पहले वाला करेंगे तो हमें फिर डबल अपने फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसको भी करेंगे जैसे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी बरौनाई दारुसलाम यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, तो हमने फिलहाल हम इसी को करते हैं जो सिंगल वाला है। फिर वहाँ से जाके हमने कोर्स को भी सिलेक्ट कर लिया एक बैचलर वाले को, फिर हमने फिर इसी को यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा जो कोर्स है वो दूसरा सिलेक्ट कर लिया बैचलर का मैनेजमेंट। पहला मैंने किया इसका बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा मैंने कर लिया बैचलर ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट। फिर नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिखा, इसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी मैंने यहाँ पे सारा कुछ अभी फिल करूँगा, फिर उसके बाद मैं इसको भी नेक्स्ट करूँगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके ऊपर ये जो अभी नेक्स्ट पेज है इसके ऊपर आपने पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है। यहाँ आपका नाम आ गया, यहाँ आपका पासपोर्ट आ गया, यहाँ पे आपने फिर अपने पासपोर्ट को अटैच कर देना है, यहाँ पे आपने अपना जो है आईडी कार्ड उसकी बैक और फ्रंट दोनों आपने यहाँ पे अटैच कर देनी, उसको मतलब दोनों को स्कैन करके पीडीएफ में करके यहाँ पे। फिर नीचे उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने चेकलिस्ट फॉर डीओवी, ये जो इटली के लिए भी होता है इसके लिए भी है, ये आप इसको डाउनलोड कर लें अपने हिसाब में। अगर आपके पास जैसे ये मास्टर वाले हैं वो ये चीज़ें, अगर आपके पास मास्टर नहीं है तो आपने इसको टिक करना है। फर्ज़ किया आपके पास आपने सिर्फ इंटरमीडिएट ही किया हुआ है, बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे क्रॉस लगाते जाएं, इसको इसको इसको। उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं कि डीओवी के लिए आपको क्या चीज़, ये चीज़ें आपको जो बरनाई की अम्बेसी है या कौंसलेट है उससे मिल जाएंगी। लेकिन ये अभी आपका इसका मरहला नहीं आया, लेकिन पहले आप एडमिशन ले लें। अगर आपको एडमिशन अगर आपका हो जाए और बाद में आपका इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट हो जाए, सारा कुछ आपका फाइनल हो जाए, फिर फाइनली आप ये वाली चीज़ें बनवा लें वो, बल्कि जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो वो आप उसी वक्त आप ये चीज़ें बनवा सकते हैं। अभी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आप डाउनलोड कर लें। वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लास्ट का प्रोसीजर होता है, जब सारा कुछ आपका हो जाए, ओके हो जाए, आपको एडमिशन वगैरह मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, तो फिर ये चीज़ आती है। अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये बड़ी नॉर्मल है। इसके लिए होता है कि आपने बताना होता है कि ये जो मेरी डिग्री है ये इक्वल है आपके बरौनाई दारुसलाम में भी, कि मसलन आपके कंट्री में भी ये इक्वल है। ज़ाहिर है वो उनके और हमारे एजुकेशन में सेम ही है, हर जगह दुनिया में एजुकेशन होती है 12 ईयर जो भी है इस तरह करके। तो इसको आपने कर चेक कर लें। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद का ये यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ, फिर रिलीजन, फिर आपने एथनीसिटी, फिर नेशनैलिटी, फिर ये आपने उसके बाद नीचे फिर एड्रेस, फिर इस तरह करके सारी चीज़ें लिख के फिर नीचे आपने गार्डियन वगैरह का लिख के कौन है वो यहाँ पे ब्रदर वगैरह का कर दें, ऑक्यूपेशन कर दें, एड्रेस लिख दें, फिर आपने इसको भी आपने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपने अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस को लिखना है। इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने जो आपने स्कूल अटेंड किए हैं 15 साल के बाद उनके नाम बताएं। अगर तो आप सिर्फ बैचलर के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ आप यहाँ पे इंटरमीडिएट का बता दें और मैट्रिक का बता दें, वो भी बता दें। अगर आप मास्टर के लिए करें तो फिर आप हाई स्कूल का भी बताएंगे और बाद में उनको बैचलर का भी नीचे लिख दें। अगर आपने कोई खेलों वगैरह में भी हिस्सा लिया हुआ है, अगर आपका कोई और भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई वहाँ पे पार्ट टाइम कोई जॉब कोई इस टाइप की हुई है, कोई आपने कोई पार्टिसिपेट किसी चीज़ में किया हुआ है, तो आप उनको बता सकते हैं। वरना स्कूल का नाम भी लिख दें, क्योंकि इसमें भी इतना कोई चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ पे और इस तरह करके आप उन्हें कुछ बता सकते हैं। और बाद में आपने यहाँ पे आके अपने स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसको अटैच कर देना है। बैचलर वालों की बात करें जिन्होंने बैचलर के अंदर एडमिशन लेना है, फिर उसके बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशंसी का पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी है, आपने इसको गुड कर देना है, और उसके बाद आपने इसको भी गुड कर देना है, और आपने तीसरे नंबर पे इसको भी गुड कर देना है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, प्लीज़ स्टेट द अदर लैंग्वेजेस, आप यहाँ पे इसको लिख दें, और अगर आपको कोई और भी आती है तो वो भी लिख दें, और इस तरह करके आपको जो जो आपको लैंग्वेज कोई आती है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और उसका भी आप बाद में बता दें कि आपको कितनी आती है। इसको करने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एकेडमिक डिस्टिंक्शन और प्राइजेज रिसीव्ड, अगर आपको कोई प्राइजेज वगैरह आपने इस टाइप की कोई चीज़ें ली हुई हैं, आपने कोई अवार्ड है आपके पास तो यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर नहीं है फिर क्या आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो सिंपली आप इसको नेक्स्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फर्ज किया आप लिख दें इस तरह करके, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसको लिखने के बाद आप इसको भी नेक्स्ट कर दें।
स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने प्रपोज्ड फ्यूचर कैरियर, आपने इस तरह करके उन्होंने पूछा हुआ है, प्लीज स्टेट योर प्रपोज फ्यूचर कैरियर। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने फील्ड पीछे सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड आप यहाँ पे लिख दें। जैसे मैंने फर्ज किया, मैंने यहाँ पे बिजनेस मैनेजर लिख दी है। फिर नीचे उन्होंने पूछा है, प्लीज डिस्क्राइब योर प्लान ऑफ स्टडी एंड एंड और रिसर्च दैट यू आर परसुइंग एंड हाउ दिस रिलेट टू योर फ्यूचर कैरियर प्लान। आप इधर यहाँ मुख्तसर अल्फाज में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिक्र लिया, आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस मैनेजर एंड बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट विल हेल्प मी टू अटेन माई फ्यूचर गोल्स। तो इस तरह करके आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आके आपसे वर्क एक्सपीरियंस फिर पूछ रहा है। आप तो अगर तो आपके पास कोई इस तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लिख दें कि है इस तरह का। जैसे फर्ज किया आपने तो इंटरमीडिएट किया हुआ है, आप सिर्फ बैचलर के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, तो आप सिंपली कर दें नो 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 एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आप इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। आपसे पूछ रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे आपसे बैडमिंटन, क्रिकेट, आप यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हैं। इस तरह करके आपने जितनी भी हैं इस तरह और भी आप चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो आपके रेफरेंस लेटर ने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जो जो आपको मैंने पीछे बताए थे दोनों रेफरेंस लेटर C1 और C2 आपने अटैच करने हैं। देखिए मैंने पहला भी कर दिया है, दूसरा भी, इसको भी आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एग्री के बटन पे क्लिक करना है। एग्री के बटन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी ये सबमिट, आपकी जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी। ये जो है ये इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने का तरीका है। थोड़ा सा इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा टाइप वगैरह करने पे, वो आपको देख लें, लेकिन ये भी जो एप्लीकेशन है डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़ी आसान है। और इसके अंदर भी आपको काफ़ी हैंडसम किस्म की मेरे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अंदर भी आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर दें, बाकी देख लें जो भी किस किस्मत को हुआ मंजूर वो हो जाएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।